अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप सिनेमा के बारे में जानते हैं, तो आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, सिनेमा और फिल्मों के बारे में भला कौन नहीं जानता। ये जमाना डिजिटल है और हर किसी तक फिल्मों की पहुंच हो गई है। फिल्मों की बात हो रही है तो आपने इतना तो सुना ही होगा कि फिल्मों के भी ग्रेड होते हैं, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। आपको बता दें कि ये लग रहा होगा कि सभी फिल्में होती तो एक जैसी है, तो ये ग्रेड कैसे? क्या ए ग्रेड की फिल्में सबसे अच्छी होती हैं और बी या सी ग्रेड की फिल्में अश्लील? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि बी या सी ग्रेड में दिखने वाले कलाकार उतने लोकप्रिय नहीं होते। आइए आपको बताते हैं कि किन मापदंडों के आधार पर तय की जाती है फिल्मों की ग्रेडिंग। जाहिर है बड़ी फिल्मों में नामी कलाकार काम करते हैं और उनका बजट ज्यादा होता है, कलाकारों की फीस भी अधिक होती है। हालांकि कम बजट की कई ऐसी फिल्में हैं जो ए ग्रेड की कैटेगरी में रिलीज हुई हैं। इतना ही नहीं, ए ग्रेड फिल्मों में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इन तीनों ग्रेड के फिल्मों के बारे में। ए ग्रेड, इस श्रेणी में बड़े बजट की फिल्मों को रखा जाता है। फिल्म के लिए बड़े स्टार्स को मोटी फीस भी दी जाती है। महंगे कपड़े, भव्य सेट्स, नामी संगीतकार फिल्म को बड़े बजट की बना देते हैं। इन्हें बनाने के लिए बेहतर तकनीक और कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। ये फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। ऐसी फिल्में देश के ज्यादातर सिनेमाघरों में रिलीज होती हैं। कहने का मतलब है कि इन फिल्मों को बनाने के लिए खूब पैसे खर्च किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं बी ग्रेड की फिल्मों के बारे में। इस तरह की फिल्में अधिकतर छोटे शहरों में रिलीज होती हैं। बी ग्रेड की फिल्मों में नामी गिरामी कलाकारों की तुलना से ज्यादा चर्चित नहीं होते। सस्ती तकनीक और फीस से तैयार की जाती है ऐसी फिल्में। फिल्मों का बजट बहुत ही कम होता है और स्क्रिप्ट कुछ खास नहीं होती। पूरी फिल्म अश्लीलता के साथ परोसी जाती है। फिल्म के निर्माताओं को लगता है कि देसी कहानी और देसी कलाकारों को लेके वो आम लोगों से ज्यादा जुड़ पाएंगे, इसलिए वो देसी सब पर ज्यादा फोकस करते हैं। फिल्मों के पोस्टर में अश्लीलता परोसी जाती है ताकि लोग आकर्षित हो सके। भाई, जब बी ग्रेड में ये सब है तो फिर सी ग्रेड में क्या होता होगा, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो चलिए हम ये भी बताते हैं आपको। इस ग्रेड की फिल्मों का बजट बी ग्रेड की फिल्मों से भी कम होता है। भले ही दर्शक बी ग्रेड की फिल्मों के कुछ कलाकारों को जानते होंगे, लेकिन सी ग्रेड की फिल्मों में काम करने वाले कलाकार बिल्कुल अनजान होते हैं। इनकी प्रोडक्शन वैल्यू एकदम निचले स्तर की होती है। कभी कभी इनकी स्क्रिप्ट ही समझ नहीं आती। ये फिल्म बी ग्रेड की फिल्मों से छोटी होती है। आमतौर पर ए ग्रेड की फिल्म 90 से 2 घंटे, बी ग्रेड की फिल्में 70 से 80 मिनट, जबकि सी ग्रेड की फिल्में 45 मिनट तक की होती है। तो ये था तीनों फिल्मों के बीच का अंतर। मियो वुल्फ आपको इसी तरह की जानकारियों से रूबरू करवाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे मियो वुल्फ के साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।